आज की ये वीडियो मैच से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार के कुल मतों का 41% मत प्राप्त किया, ठीक है, तथा वह 5580 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। भाई हल करने से पहले, चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज रोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का अगर आपको प्रश्न मिल जाए, ठीक सेम टाइप का, यहाँ पर आपको 41% मत प्राप्त ये दिया हुआ है और 5580 मतों से हार गया हो या लिखा हो, इतने मतों से जीत गया हो, चाहे हार गया हो या जीत गया हो, मतों की संख्या दी गई है, तो कुल मतों की संख्या पूछ रहा है। तो कुल मतों की संख्या आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए। 41% मतलब ए का मान कितना दिया गया है, 41%, ठीक। और मतों की संख्या, कितने मतों से हार गया, एक्स का मान कितना दिया गया, 5580, ठीक। तो हमें कुल मतों की संख्या निकालनी है भाई, कुल मतों की संख्या, तो कैसे आएगा, 50x / 50 a, इस फार्मूले से हमें कुल मतों की संख्या निकल आएगा। कैसे हल करेंगे देखिए भाई, 50 × x का मान क्या है यहाँ पर, 5580 बटा 50 - a, 50 - a का मान कितना है, 41, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 50 × 5580 / 9, 9 × 1 = 9, 9 = 54, और एक बचा यहाँ पर 9 × 2 = 18, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50 × 620, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 00, 5 × 2 = 10, 0, हासिल 1, 5 × 6 = 30, 31, मतलब कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 31,000, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, 31,000। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।